भारी पुलिस बल के साथ जीडीए ने राप्ती नगर विस्तार के आवंटियों को कब्जा दिलाना किया शुरू। गुलहरिया में हुई नौ युवती की हत्या मामले में दो अभियुक्तों को भेजा गया जेल, अवैध संबंध को लेकर हुई थी हत्या। ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में छात्र छात्राओं को चित्रकला के विविध आयामों की दी गई जानकारियां। छह सूत्री मांग को लेकर राजकीय वाहन चालकों ने निकाली रैली, जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को प्रेषित किया मांग पत्र। राजस्व संग्रह अमीन संघ का धरना हुआ समाप्त, कहा मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में लंबे समय तक के लिए करेंगे कार्य बहिष्कार। ग्रामीण सफाई कर्मियों ने निकाला जुलूस, कहा मांग पूरी नहीं हुई तो 1 फरवरी को विधानसभा का होगा घेराव। सेंट एड्यूस डिग्री कॉलेज के महिला सेल से जुड़ी सदस्यों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बांधा समा। भीषण ठंड के मद्देनजर डॉक्टरों ने बांटे असहाय को कंबल। श्रम एवं सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा मजदूरों को उनके हित का लाभ मिलेगा उनके घर। पूर्वोत्तर रेलवे प्रमोटी अधिकारी संघ की बैठक हुई संपन्न, अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे व्यवहार पर जताया एतराज। 25 को 8वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विद्यालयों तथा डिग्री कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने एंटी भू माफिया अभियान की समीक्षा में सभी संबंधित अधिकारी अपने विभाग से संबंधित भूमि से 100% अतिक्रमण हटाए जाने का प्रमाण उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिले के लिए हुई खेल प्रतियोगिता। और जिला क्रिकेट लीग में खलीलाबाद की टीम ने संस्कृति क्लब को 10 रनों से हराया।